ये देखो भाई, शाइन वाइन तो बढ़िया है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं जा रहा हूँ भाई गो मैकेनिक। सबसे पहले तो अलॉय मैंने अभी परचेज किए थे, आपको स्क्रीन पर भी अभी डिस्प्ले हो रहे होंगे। वी कंडीशन काफ़ी रफ एंड टफ थी, बट बात सिर्फ इतनी सी थी कि भाई ये है वॉसन ओरिजिनल। मैंने कहा इन्हें पेंट करवा के थोड़ा नया कराते हैं, फिर पता चलेगा कि कैसे निकल कर आते हैं। चलो चलते हैं गो मैकेनिक और देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। पहुंच गया था यहाँ, यह है सेक्टर 46 में। अब देंगे अलॉय व्हील। ये देखो भाई, ये कंडीशन है अभी, और अच्छा साफ सूफ कर दिया है मैंने ऑलरेडी, तो ठीक है। इन पे होगा गन मेटल ग्रे। हो गया यार, बहुत हो रहा है। रात जहाँ पे पेंट निकला हुआ हैवी स्क्रैचेस का कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो हो जाए तो आ रहा है ना आएगा। हाँ तो फिर अंदर बाहर पूरा ब्लैक होना है इसको छोड़ के। बस कितना टाइम लगेगा भाई? अलॉय व्हील दे दिया है पेंट के लिए। अब मेरी उस टाइम पे ही उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि गन मेटल ग्रे ठीक नहीं लगेगा। मेरा मन तो गन मेटल ग्रे का था, बट उन्होंने एक चीज़ बोली कि भैया देखो पूरा तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ मशीन है वहाँ पे पेंट टिकेगा ही नहीं। मैंने कहा तो अब बताओ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ये बोला कि जो वो मशीन वाला पार्ट है उसको वो वैसे ही ठीक कर देंगे अपने इस साइड से, जितना भी वो कर सकते होंगे, एज ऑफ डेंट नहीं जाएंगे उसमें से, बट मशीन पार्ट ठीक हो जाएगा। अदर देन दिस जो नॉर्मल वाला पार्ट है, जो भी सारा ब्लैक था उसको ग्लॉस ब्लैक कर देंगे। मैंने ये भी बोल दिया, मैंने कहा जो साइड वाली बाउंड्री थी उसको भी ग्लॉस ब्लैक करना है, सिर्फ वो बीच वाला पोर्शन आपको छोड़ना है उस पर। तो उन्होंने ओके कर दिया उस पर। बाकी देखते हैं भाई कल क्या मिलता है, क्योंकि अभी तो नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला शाम तक हो जाएगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम मोर टाइम ले लो, कल दे देना मुझे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी भाई पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। Meanwhile, जो काम हो रहा था भाई उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को करके भेजी। यहाँ क्लीनिंग हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी अलॉय व्हील्स की, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से उस टाइम पर लग रहे हैं अभी तक। 24 hours later, मेरे को गो मैकेनिक से वापस कि भैया आपके अलॉयज हो गए हैं पेंट। उन्होंने मेरे को फोटो तो भेज दिए, मैंने आपको अभी दिखा भी दूंगा इसके साथ में, कितने बढ़िया लग रहे थे मेरे को ओवरऑल फोटो में। अभी जाके पता चलेगा भाई कि क्या किया है उन्होंने और ढंग से सारा किया है नहीं किया। एज ऑफ टाइम से काम तो कर दिया उन्होंने सारा का सारा, क्योंकि मैंने कल दिए थे और कल शाम को ही उन्होंने बोले थे कि भैया आप सुबह आ जाना। और सुबह भाई साहब पूरा, मतलब कल तक तो सारा अपडेट दिया था, सुबह फोटो भी आ गई कि भैया देख लो धूप में पड़े हैं, बढ़िया लग रहे हैं एकदम। मैंने कहा ठीक है, लग तो बढ़िया रहे हैं, अब आके देखते हैं क्या है। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे पता चलेगा क्या कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी साइड में लगा दी है, ये BMW का शोरूम बढ़िया सा एकदम, कभी लेंगे यहाँ से भी। और एक दोस्त आ रहा है मेरा अभी, वो भी उसको भी देखने थे अलॉयज कैसे पेंट कराते हैं, क्योंकि उसने भी शायद अपनी गाड़ी में कराने हैं। बाकी आए तो फिर चलते हैं आगे, क्या तो है 2 मिनट में आ रहा है, पता नहीं भाई 2 मिनट कितने होते हैं देखते हैं। शाइन तो बढ़िया मार रहे एकदम, आ गए थे वापस यार इतने मोटर वैगनर पे आए इस बार भाई, क्योंकि दूसरी गाड़ी थी नहीं, इनको ले जाके भी तो रखवा दूंगा, एज ऑफ कल या परसों में ही लगूंगा इन्हें बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई, शाइन वाइन तो बढ़िया है। बाकी अब थोड़ी सी धूल वूल आ गई है, धूल हटाएं तो एकदम चमक जाते हैं बढ़िया एकदम। पे वाला रख दिए थे सारे, देखो भाई शाइन तो बहुत ही बढ़िया आ रही है इसमें, जैसी धूप पड़ती है। दो पेंट की बात करूँ भाई, ये दाने वाला पेंट है शाइन वाला पूरा। अब एक बार ये पानी से धुल जाएगा ना तो और बढ़िया साफ हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। फाइनली ले लिया लोए, ये देखो ये पड़े हुए सारे के सारे पीछे, मैंने इन्हें रखवा दिया था ऐसे ही। अब निकल रहे हैं भाई घर की तरफ, क्योंकि इसको अब मैं लगवाऊंगा अमेज में, जो कि रहेगा ये लगाओ उसी के टायर में फिट हो जाएंगे। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही करूँगा उसी के टायर में फिट हो जाए, क्योंकि वो भी 14 इंची ये भी 14 इंची है भाई। मेरा कोई मन नहीं है साइज करने का उसे, एज ऑफ एवरेज में फ़र्क आ जाएगा। बाकी एक बार मैं आपको इसको ओवरव्यू भी दिखा दूंगा अलॉय का, ओवरऑल लुक आ रहा है उसके बाद। और अभी जो मेरे को इसकी कॉस्टिंग पड़ी वो थी लमसम 3400 रुपये, जो कि भाई इसका था 1100 रुपये वैसे था, उसके अलावा मेरे को डिस्काउंट मिला 1000 रुपये का, तो मेरे को 3400 रुपये पड़ गया ये पेंट वगैरह सब करके। उसके अलावा 1 साल की गारंटी भी है पेंट की, तो मुझे अच्छा लगा कि चल भाई गारंटी तो है कम से कम पेंट की,
एटलीस्ट भाई अगर कुछ दिक्कत आई पेंट में, कैसे चिपअप होने लग गया या कुछ और कोई भी मुझे ऊपर नीचे लगा, तो भाई उसको रीपेंट हो सकती है वो चीज़। चलो बाकी देखते हैं लग के क्या आते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे जब इसको करेंगे इंस्टॉल अपनी अमेज़ में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट में।